तो गाइस कैसे सभी आप सभी लोग बढ़िया हो गए, बाल आ गए बढ़िया रहना। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बस मैजिक क्यूब बंडल के बारे में, ठीक है। तो गाइस आपको पता है कल के दिन हमारे बहुत सारे बंडल रिटर्न करवाए गए हैं। सो गाइस अगर आपको बंडल लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस आज की वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा, आज की वीडियो में आपको फुल गाइड दे दूंगा जिसमें गाइस आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या आप यहां पे कौन सा बंडल अच्छा है, कौन सा बंडल लेने के बाद आपको वर्थ रहेगा आपका मैजिक क्यूब डालने के बाद उसमें। तो गाइस आपको कौन से बंडल साथ जाना चाहिए अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एंड गाइस मैं आपको प्रेफर करूंगा एक बार मेरी भी सजेशन ले लो, बाकी गाइस आपको जो मन होगा वो आप कर सकते हो। एंड गाइस यहां पे आपको कुछ कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा जिससे कॉम्बिनेशन भी आप अच्छा बना पाओगे, ठीक है। सो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की वीडियो में काफी सारे लोग कमेंट किए थे, मैंने पूछा था कि आपको टॉप 5 बेस्ट मैजिक क्यूब बंडल चाहिए कि नहीं, तो वहां बहुत सारे लोग मेरे से बोले कि हाँ भाई बना दो उसके ऊपर वीडियो। सो मैंने कहा वीडियो बना देते हैं, सो यार फाइनली वीडियो लेके आ चुका हूं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं यहां पे हमारे कौन कौन से मैजिक क्यूब बंडल डाले गए हैं। सो गाइस आप में से पहले कोई भी चैनल पर नया आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस यहां पे काम करना है आपको, अगर गाइस आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एक बार वापस से अनसब्सक्राइब कर लो चैनल को, देन गाइस फिर से सब्सक्राइब कर लेना एंड फिर से बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, ठीक है। आपने ऑलरेडी ऑल पे सेट कर रखा है इट्स ओके, बट यार एक बार फिर से ये वाला काम कर लोगे तो गाइस ये जो नोटिफिकेशन प्रॉब्लम इससे मैं काफी ज्यादा हमारे चैनल के ऊपर चल रही है तो गाइस वो फिक्स हो जाएगी इजीली। तो गाइस ये एक छोटा सा काम था वो मेरा जरूर कर देना। तो चलिए गाइस चलते हम लोग स्टोर वाले सेक्शन पे, एंड गाइस यहां पे देखते हैं मैजिक क्यूब वाले बंडल हैं एंड इनमें से कौन कौन से टॉप 5 बेस्ट बंडल जो कि आपको ले लेने चाहिए। पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिक ब्लू बंडल के बारे में, मेरे साथ काफी सारे लोग पूछ रहे थे तो गाइस मैंने आर्टिक ब्लू बंडल के ऊपर वीडियो बना रखी है तो गाइस आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कल शाम वाली वीडियो मैंने आर्टिक ब्लू बंडल के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा जाकर चेकआउट कर लो कि हमारे फ्री फायर के अंदर हमारा आर्टिक ब्लू बंडल है वो क्यों नहीं डाला गया है। बेसिकली गाइस यहां पे देख लो आप लोग के सामने काफी सारे बंडल दे दिए गए जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, ये सारे बंडल जो है वो बस 14 तक के लेवल करवाए गए हैं, ठीक है। मतलब गाइस 14 नवंबर तक ये सारे बंडल रहेंगे, उसके बाद ये सारे रिमूव कर देंगे, जो हमारे पहले वाले बंडल थे वो सारे आ जाएंगे। आप गाइस मैजिक के स्टोर भी अपडेट होने वाला है, मतलब यहाँ पे कुछ नए बंडल भी आएंगे क्योंकि पुराने बंडल से। सो गाइस अब नए बंडल भी आने वाले हैं तो गाइस नए बंडल कौन से आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस नए बंडल जानने के लिए आपको आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वाली वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे मैंने बता दिया आपको कौन से आपको नए बंडल देखने मिलने वाले हैं। एज ऑफ गोल्ड नाम का एक बंडल था, एंड गाइस यहाँ पे ऐसे 2-3 बंडल और थे जो कि निकल के आए हुए थे। सो गाइस वो हमारे न्यू अपकमिंग मैजिक क्यूब बंडल होने वाले हैं, 99% कंफर्म है, ठीक है। तो गाइस ये सारे हो गए अपकमिंग वाली बातें। एंड गाइस अभी जो बंडल डाले गए बस 14 तक है, तो गाइस आपके पास 14 तक का चांस है। यहाँ पे गाइस आप लोग क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके पास कितने मैजिक क्यूब है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड गाइस यहां पे कितने फ्रैगमेंट है वो भी जरूर से बताना, ठीक है। तो मेरे पास 17 फ्रैगमेंट पड़े हैं, एंड गाइस एक मैजिक क्यूब है, एंड साथ में मेरे को कल मैंने आपको दिखाया था बैंडित वाला बंडल जो कि काफी ओपी बंडल है, सो गाइस मैंने उसको भी रिडीम किया था, ठीक है। सो गाइस वो भी बंडल मैंने रिडीम करके रखा था। बेसिकली गाइस देख लो ये सारे बंडल डाले हैं जो कि काफी ओपी है। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉप 5 बंडल है, ठीक है। सो गाइस यार पहले मैं आपको बता दूं ये जो मैंने सारे बंडल डिसाइड करके रखे हैं तो यार सबकी पसंद अलग होती, तो गाइस मैंने भी अपने हिसाब से इसको ऑर्डर में रखा है, मतलब टॉप 5 दिखा रहा हूँ इसमें जो मेरे को लगे, बाकी यार मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही लेना है एंड यही अच्छा है, ठीक है। मेरे को अपने मन से जो अच्छा लगा सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। गाइस आपका काम है कमेंट सेक्शन बताओ आपको इन मैजिक के पूरे स्टोर में से कौन से टॉप 5 बंडल जो कि अच्छे लगे वो मेरे को बताना, ठीक है। एंड गाइस आप अगर एकदम कंफ्यूज हो तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो बंडल बता रहा हूँ आप उस पर जा सकते हो। सो गाइस हमारा जो सबसे पहला बंडल है वो हमारा बैंडित बंडल है, ठीक है, जो कि गाइस मैंने कल की वीडियो में रिडीम जाता है। एंड गाइस यहां पे टॉप 5 जो ऑर्डर में रखा हूं, ठीक है, ये टॉप 5 बंडल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि टॉप 5 वाला खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहां पे मैं अपने मन से बना के रखा हूं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये देख लो ये काफी ओपी बंडल है, एंड गाइस मैंने इसको कॉम्बिनेशन में भी बना के रखा है। इसका गाइस बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं जो कि यहां पे आप मैजिक क्यूब में इजीली बना पाओगे। तो गाइस मैजिक अगर आपके पास ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है, अगर आपके पास 2 मैजिक क्यूब है, बेसिकली गाइस मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग के पास 2 मैजिक क्यूब होगा, ठीक है, तो गाइस आप इजीली बहुत ही अच्छा ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे जोकर वाला बंडल भी आपको देखने मिल जाता है। एंड गाइस जब आप ये वाले बंडल को ये कॉम्बिनेशन बना के खेलोगे ना तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही इजी गाइस इस कॉम्बिनेशन को बना पाओगे। यहाँ पे जैज वाली पैंट आपको लगानी पड़ेगी, एंड गाइस यहाँ पे जो ये वाला बंडल है ऊपर का ये लगा लोगे तो गाइस बहुत ही ओपी लगता है देखने में मेरे ख्याल से, एंड गाइस खेलने में भी काफी मजा आता है, ठीक है। तो गाइस ये जो बैंडित वाला बंडल इसकी जो एनिमेशन दी जाती है जो कि आपको गेम में देखने मिलती है तो गाइस ये काफी अच्छी है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं अगर आपका डिवाइस 3 GB या 2 GB का है, अगर गाइस आप नॉर्मल पे खेलते हो, मतलब गाइस यहाँ पे जो होता नहीं है ये ग्राफिक्स, तो गाइस अगर आप स्मूथ पे खेलते हो तो गाइस इस बंडल को मत लेना, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बंडल आपको खेलने मजा नहीं आने वाला। इसके जो एनिमेशन है गाइस यहाँ पे नहीं देखने मिलेंगे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, एंड गाइस वो जाके परचेस कर लेंगे बट उसके बाद इसको मजा नहीं आने वाला है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि गाइज अगर आप ये बंडल लेते हो तो ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको गेम में भी देखने मिलते हैं एंड इसी बंडल की यही बस खासियत है एनिमेशन इसकी। तो गाइज अगर आपको ये नहीं देखने मिलने वाले हैं अगर गाइज आपका कम डिवाइस है मतलब कि कम स्पेसिफिकेशन का डिवाइस है लाइक गाइज अगर आप मतलब कि एकदम लो पे खेलते हो ग्राफिक्स तो गाइज आपको नहीं देखने मिलेगा ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना तभी इस बंडल को लेना अगर आप हाई या मीडियम पे खेल रहे हो। बेसिकली गाइज ये बंडल के बारे में बात हो गई एंड गाइज ये बंडल आपको मैंने बता दिया लेना चाहिए कि नहीं। बाकी गाइज ये ओवरऑल बंडल काफी ओपी बनाया गया है। गन गाइज बात करने वाले हम लोग सेकंड बंडल के बारे में ठीक है। सेकंड बंडल के आगे बढ़ने से पहले आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बगल में बेल आइकन को प्रेस करके सेट कर लेना ठीक है। तो मैं आपको दिखाया था हमारा जो सेकंड बंडल है वो हमारा नाइट लोन वाला बंडल है। तो गाइज आपको पता ही ये वाला बंडल काफी टाइम से हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर डिमांड किया जाता है एंड गाइज काफी ओपी बंडल है ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला है वो मेरे कुछ खास तो लगता नहीं, सारी चीजें कुछ ज्यादा खास तो नहीं, बट इसका जो मास्क है ना वो काफी ओपी है ठीक है। सो इसका इंक्यूबेटर भी आपको देखने मिल चुका था, आपको एक बार याद होगा बहुत ओल्ड इंक्यूबेटर है ठीक है। सो गाइस ये वाला बंडल जो है बहुत ही ओपी लगता है मेरे को एंड गाइस ये बंडल पूरा अच्छा नहीं है बट यार जो उसका मास्क है वो काफी ओपी है। सो गाइस मैं आपको प्रेफर करता हूं अगर आपको जाना तो उसके साथ भी जा सकते हो बट यार आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा अगर आपके पास लोअर वाला अच्छा है ठीक है मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें ये तीनों चीज अच्छी है तो गाइस आप इसके साथ ना जाना, बाकी इसका मास्क के साथ आप लगा के काफी ओपी कॉम्बिनेशन बना सकते हो बट यार पूरा बंडल मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगता। मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि गाइस आपको ये पूरा बंडल कैसा लगता है ठीक है। सो गाइस बात कर ले नेक्स्ट बंडल के बारे में। सो जो मैं नेक्स्ट बंडल निकल के आ रहा है वो हम खोल लेते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बंडल कहाँ गया। सो गाइस मैं नेक्स्ट बंडल यहाँ पे बायो फायर ये वाला ठीक है। तो बिट फोर्ज करके एक बंडल है जो कि यार काफी ओपी लगता है देखने में एंड इसका मास्क कुछ खास नहीं है ये वाला हेड बट यार इसका ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। साथ में ये जो बीच में आपको देखने मिलता है ये ओपी है ठीक है मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको ओल्ड की कॉम्बिनेशन बनानी है सो यार आप इसके साथ जा सकते हो, अच्छा बंडल लगता है पूरा देखने में। सो गाइस ये कभी कभी के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा बंडल है, आप इसके साथ जरूर जा सकते हो अगर आपका मन है तो। अगर गाइस आपके पास ये बैंडेज वाला बंडल है एंड जोकर वाला बंडल है। गाइस टॉप बंडल के बारे में बात करें जो कि मेरे को सबसे टॉप लगा पूरे मैजिक क्यूब में, तो देखो गाइस मेरे को सबसे टॉप पे लगा बैंडेज वाला बंडल एंड गाइस इसी को मैं प्रेफर करता हूं। ये आपके पूरा वर्थ रहेगा, इसमें एनिमेशन जो भी है गाइस वो काफी ओपी देखने मिल जाती है ठीक है। एंड उसके बाद जोकर वाला बंडल है एंड मैंने ये दिखा दिया आपको, ये भी मेरे को अच्छा लगता है। साथ में आइस एज वाला बंडल जो कि काफ़ी ओपी एंड गाइस काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर, तो इसको पहले बहुत सारे लोग खेलते थे एंड गाइस पहले भी अवेलेबल था हमारे मैजिक क्यूब के अंदर। सो गाइस ये वाला बंडल है तो गाइस ये बंडल काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को देखने में एंड गाइस ये बंडल का आप वर्थ है मतलब ये सारी चीज़ इसकी अच्छी डिजाइन की है बस पैंट छोड़ के ठीक है, बस पैंट छोड़ के इसका बाकी ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही ओपी बनाई गई हैं। सो यस गाइस आप इसके साथ भी जा सकते हो। नेक्स्ट बंडल के बारे में बात कर लें तो गाइस ये टॉप गेमर वाला बंडल है, तो गाइस यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि गाइस यहाँ पे टॉप फाइव वाला बंडल है तो गाइस ये खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। मतलब बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बहुत ही ओपी बंडल है एंड गाइस यस गाइस आप इसके साथ जा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा खेलने में इसको देख के। तो गाइस का सारी चीज़ें ही अच्छी है मतलब गाइस का आप इसका शूज ले लो, ये वाली ले लो, बॉटम ले लो एंड गाइस यहाँ पे टॉप ले लो, सब गाइस सारी चीज़ें इसमें अच्छी बनाई गई हैं। तो ये ओवरऑल पूरा ही बंडल बेस्ट है, सो आप इसके साथ भी जा सकते हो एंड गाइस स्टार जनरल वाला बंडल भी अच्छा लगता है बट उतना मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो गाइस ये सारे बंडल जो कि मेरे को आपको बताने थे एंड गाइस बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। गाइस ये मेरी यहाँ पे चॉइसेस थी ठीक है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं तो मेरे को ऐसा कमेंट मत करना भाई आपने गलत बताया, ऐसा बताया, वैसा बताया। सो गाइस सबकी चॉइसेस अलग होती हैं एंड गाइस आपको कौन से टॉप फाइव बंडल लगते हैं वो मेरे को कमेंट बताना। अगर गाइस आपको आँख बंद करके लेना है कोई बंडल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बैंडल बंडल या जोकर वाले बंडल साथ जा सकते हो, वो दोनों भी बंडल काफी ओपी लगते हैं मेरे को एंड गाइस अब मैं आपको अपनी बात बता दूं मैं कौन से बंडल एक्सचेंज किया हूं। तो गाइस मैंने कल के दिन आपको बताया था, मैंने आपको बैंडेज वाला बंडल वो मैंने एक्सचेंज करके दिखाया था बेसिकली। तो गाइस बैंडेज वाला बंडल मेरे पास पहले से था, तो गाइस यहां पे एकदम नीचे चल जाएंगे तो वहां पे पता चल जाएगा मेरे पास कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो ये दोनों तो मैंने डायमंड वॉल में निकाल के रखे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये बिल्कुल मत लेना ठीक है, बेकार बंडल है दोनों के दोनों। एंड गाइस यहाँ पे ये जो नाइट लोन और बंडल है ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले निकाल के रखा था एंड गाइस ये वाला बंडल है मैंने बहुत पहले निकाल के रखा था ठीक है, जिसको मैं पहन के खेलता नहीं हूँ इसके लिए की गलती मत करना बिल्कुल भी। तो गाइस यहाँ पे बैंडेज वाला बंडल कल मैंने निकाल लिया, तो गाइस ये दोनों बंडल मेरे को अच्छे लगते हैं एंड गाइस आप इनके साथ जा सकते हो। बाकी ये मेरे दोनों चॉइसेस थी एंड गाइस अब मैं कौन से लेने वाला हूँ जो कि गाइस आपको पता है दिवाली इवेंट में एंड गाइस उसके बाद एक और मतलब कि एक और मैजिक क्यूब पड़ा है तो गाइस मैं उसमें आपको देखूंगा कौन से बंडल लेना है मतलब अभी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अपकमिंग में और सारे बंडल आने वाले हैं, अगर वीडियोस चाहिए उनके ऊपर तो मेरे कमेंट में बताना, बाकी ये वाला बंडल ले सकता हूँ मैं अपकमिंग टाइम में एंड गाइस उसके अलावा मैं टॉप गेमर वाला बंडल भी ले सकता हूँ ठीक है। सो बस यार आज की वीडियो में इतना था, आई होप आपको आज की वीडियो से गाइड मिल गई होगी। सो गाइस अगर आपको हेल्प हो गई हो तो गाइस एक बार वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।